नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दो दिनों पहले मैंने सवाल पब्लिक का इसी शो पर वन नेशन वन इलेक्शन पर जो पक्की खबर दी थी, आज उस पर मोहर लग गई है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रस्ताव को पास कर दिया है। इसी के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस मिशन पर एक निर्णायक कदम बढ़ा दिया जो भारतीय राजनीति को बदल कर रख देगा। जिस देश में कोई ऐसा साल नहीं बीतता जब दो से चार राज्यों के चुनाव ना हो, साल में कुछ ही महीने ऐसे बीतते हैं जब देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव आचार संहिता नहीं लगती। सवाल पब्लिक का है कि तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी को कमजोर कहने वाले विपक्ष को क्या मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन वाला चैलेंज दे दिया है? वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष और विरोध में कई तर्क हैं। पक्ष की सबसे बड़ी दलील है कि इससे भारत को हर समय चुनाव के बोझ तले दबाने वाली व्यवस्था से निजात मिलेगी, जबकि विरोध में सबसे बड़ा तर्क यह है कि क्षेत्रीय और छोटे दलों के खिलाफ षड्यंत्र है, सत्ताधारी दल को एडवांटेज मिलेगा। इस डिबेट पर दोनों तरफ के विचारों को रखने वाले पैनलिस्ट मौजूद हैं, वो अपनी अपनी बातें रखेंगे। लेकिन सवाल पब्लिक का ये है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन के दाव से नरेंद्र मोदी ने राहुल और अखिलेश जैसे नेताओं के सारे नैरेटिव छीन लिए? क्या नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव के पहले किए गए अपने उस ऐलान पर कायम हैं कि तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होंगे? क्या वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा मोदी के लिए वैसा ही है जैसा आर्टिकल 370 खत्म करने का एजेंडा दूसरे कार्यकाल में था? मोदी है तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन भी मुमकिन है? सवाल पब्लिक का आज यही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी ने आज कल में नहीं शुरू की है। इस पर वो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कई समय से इस पर काम भी चल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मार्च 2024 में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वन नेशन वन इलेक्शन पर 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। और अब जब 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का इरादा दिखाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि 1952 से लेकर 1967 तक हुए चार लोकसभा चुनावों के साथ साथ ही सभी विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, लेकिन फिर मध्यवादी चुनावों ने इस क्रम को तोड़ दिया और आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट के फैसले पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, जरूर सुनिए। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमिटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। कमिटी की रिकमेंडेशंस हैं, उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा। सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए, कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फ़ायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा। सरकार की तरफ से एक देश एक चुनाव पर निर्णायक तरीके से आगे बढ़ने के बाद विपक्ष के खेमे में खलबली सी मच गई है। सुनिए वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के तुरंत बाद विपक्ष क्या कह रहा है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बातें है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है इसमें, तो ये इलेक्शन होना जरूरी है क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे
तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारा लीडर ममता बनर्जी, शी हैज ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी एक्सप्रेसिंग हर व्यूज विद फुल एनालिसिस। हमारा देश का जो सिचुएशन है इसमें इस वन नेशन वन इलेक्शन दिस इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट सुटेबल फॉर अस। सवाल पब्लिक का आज है कि क्या 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन आकर रहेगा? तीसरे टर्म में मोदी ने सबसे बड़ा कार्ड चल दिया। क्या वन नेशन वन इलेक्शन से बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियों को फायदा और रीजनल पार्टियों को नुकसान की बात सही है? वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी और वक्फ बिल पर अडिग होना कड़े फैसलों का कमबैक है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, लोकेश जिंदल नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर आशुतोष वर्मा नेशनल प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल जाता है आशुतोष वर्मा जी आपको। सवाल बड़ा है कि कल तक जो कह रहे थे कि मोदी 3.0 में कुछ दम नहीं है, मोदी घबरा गए हैं, टूट चुके हैं, विपक्ष आगे बढ़ रहा है और अब ये बैसाखियों पे चल रहे हैं, आज जब कैबिनेट यूनैनिमसली यानी कि अपने सारे साथियों के साथ इस फैसले वन नेशन वन इलेक्शन को पास करती है तो कम से कम आप मानेंगे कि दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ रही है और मोदी सरकार ने अगर आर्टिकल 370 हटाया तो इस दौर में वक्फ बिल और वन नेशन वन इलेक्शन लेकर उन्होंने अपने कड़े फैसलों की जो श्रृंखला है उसको जारी रखा है। धन्यवाद नविका जी। नविका जी, ये तर्क बड़ा अजीब सा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बातों से विपक्ष में बेचैनी है और वन नेशन वन इलेक्शन की परिचर्चा के बगैर आपने उनके कड़े फैसलों की बात कर दी। उसी मोदी सरकार ने जो पिछले मुझे लगता है कि 5-6 सालों में या 10 सालों में कम से कम 6 या 7 बार बड़े यू टर्न लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि काले कानून पे क्या हुआ, वक्फ वोट पे क्या हुआ, ऐसे लैंड एक्विजिशन बिल पता नहीं कितने पे यू टर्न लिया। तो भारतीय जनता पार्टी और कड़े फैसले लेने की बात तो आप मत ही कीजिए। बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या रुख है पार्टियों का, खासकर विपक्षी पार्टियों का। और समाजवादी पार्टी ने जब इसके पहले साल 1.5 साल पहले की बात हुई थी तो हमने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, इससे परिचर्चा होनी चाहिए, इस पर डायलॉग होनी चाहिए, क्योंकि इसके तर्क और वितर्क में अलग अलग तरीके से कई पॉइंट्स हैं। एक बात बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ा खर्चा इलेक्शन करने में लगता है देश का और देश में लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है जिससे सरकारों को काम करने में परेशानियां आती हैं, जो जनता के हितों के काम है वो रुकावट आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अनसुलझे जवाब हैं जिसके बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी या शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इसके बारे में अभी जवाब नहीं है कि कौन सी सरकारों को प्रीपोन करके खत्म किया जाएगा, कौन सी सरकारों को पोस्टपोन किया जाएगा जब राज्य सरकारें चल रही हैं। अगर किसी भी सरकार का बीच में मध्यवर्ती चुनाव आ जाता है तो तब क्या किया जाएगा, क्योंकि 52 से 67 के बीच में इस देश ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में किया है और आपने खुद बताया कि मध्यवर्ती चुनाव या जो मिली जुली सरकारें होती हैं उसमें अगर किसी सरकार के बीच में अगर चुनाव कहीं गठबंधन टूट जाता है तो मध्यवर्ती चुनाव की स्थिति आती है, तब वन नेशन वन इलेक्शन की क्या स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बारे में प्रॉपर चर्चा हो, बात हो और सही जब चीजें ड्राफ्ट में आए तब उस पर बात की जाए। लेकिन अभी आप सिर्फ ये बता रही हैं कि मोदी 3.0 ने एक बड़ा दांव खेला है। इसमें दांव ही कहां खेला है, ये तो परिचर्चा की शुरुआत है और अच्छी बात है, ये होनी चाहिए देश में, ये कोई एक नई चीज नहीं है।
तो मुझे लगता है कि इसको आपने गलत तरीके से लिया है। आप कह रहे हैं नई चीज नहीं है, पहली बार इसी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। ये पहले आइडिया के लेवल पे था, पहले एक कमिटी बनी थी, लेकिन अब कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आपने बातचीत की बात कही, तो मैं सिद्धार्थ यादव आपसे पूछूंगी, वक्फ बिल आया और जेपीसी को चला गया, वहां पे हो रही है बातचीत। अब पहले से ही प्रिज्यूम कर लेना कि भाई बातचीत के बिना ला दिया, अभी तो आया नहीं, ये तो टेबल होगा पार्लियामेंट में, लेकिन खलबली मच गई है, ये तो तय है। एडमिट करें आशुतोष वर्मा जी या ना, ये इनकी मर्जी है, लेकिन खड़गे जी ने तो कह दिया है गलत है, खराब है, हाय तौबा, तो मच गई है। सिद्धार्थ यादव जी, ऐसा क्यों? देखिए नविका जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि दिक्कत होना इन लोगों की दिक्कत है, और अगर इनको दिक्कत नहीं होगी तो भी इनको दिक्कत हो जाएगी कि दिक्कत क्यों नहीं हो रही। देश में कुछ भी अच्छा होने लगे, विपक्ष जब एक मन बना चुका कि हमें हर चीज का विरोध करना है, ना मेरिट्स पे जाना, ना उसके फैक्ट्स पे जाना, सुझाव तो भूल जाइए कि किसी चीज में कुछ देना हो, पर कोई भी बात सरकार लेकर के आ रही हो और वो देश की भलाई के लिए हो तो पहले ही तौबा कर लो, पहले ही उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। जब ये रवैया विपक्ष का हो जाएगा तभी ये दिक्कत निकल करके आती है जो विपक्ष की है। अब मैं वक्त पे बाद में बोलूंगा, और पहले आशुतोष जी भी वन नेशन वन इलेक्शन पे कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे नई बात कैसे नहीं है, अगर नहीं है तो हल्ला क्यों कर रहे हो? अगर विपक्ष को दिक्कत नहीं है तो खड़गे जी विपक्ष के नेता नहीं है क्या? उनने तो आते ही एक घंटा नहीं लगाया स्टेटमेंट देने लग गए, बिल्कुल गलत है, कभी नहीं हो सकता। जब जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई विपक्ष ऐसे ही तिलमिलाता रहा है। अब आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में होता था 57 52 57 51 62 67, बहुत बार हुआ। उसके बाद गया कब? जब आपने विधानसभा भंग करनी शुरू करी, आपने करी 68 में, 69 में लोकसभा भंग करी, उसके बाद ये बिगड़ा। आज देश में खर्चा कम हो, हमारे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा लगा रहता है उससे हम बाहर निकलकर आ सके, जो गवर्नेंस हम बेटर कर सके, उसके लिए एक वाइड कंसल्टेशन करके 18,000 पेजेस से ऊपर की एक रिपोर्ट दी गई, जो पहले रिपोर्ट लॉ कमीशन दे चुका है, जो पहले रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन दे चुका है, 2015-2018 में पार्लियामेंट्री कमिटी सजेस्ट कर चुकी है, वही बात कही। पर दिक्कत देखिए, दिक्कत यह है कि ये क्यों कर रहे हैं? हमें कुछ करना नहीं, दूसरे को करने देना नहीं, देश की भलाई है तो बिल्कुल नहीं। अगर ये आपका रवैया है तो ये देश के हित का रवैया नहीं है, कभी तो हित का भी स्टैंड लीजिए। रही बात वक्फ की, वक्फ का बिल लेकर के आए, हमारी कमिटमेंट है। देखिए नविका जी, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, हमने वन नेशन वन इलेक्शन लिखा, वक्फ को लेकर के हमारी कमिटमेंट है। हमने अपनी सरकार बनते ही पहले 100 दिनों में इन सब कामों को करके दिखाया। अब हम कंसल्टेशन करते हैं तो इनको दिक्कत, अगर हम ना उनसे सुझाव लिए जाए तो इनको दिक्कत। अब वफ का बिल लेकर क्या है और हमने जेपीसी में भेजा, अब जेपीसी उसकी चर्चा कर रही है, देश भर में चर्चा हो रही है, तब आपको मिर्ची क्यों लगती है? और रही बात आशुतोष जी जो यूटर्न की बात कर रहे थे, यूटर्न एक बार अपने नेता का भी याद करिएगा, रफेल पे, पेगासस पे, कितनी चीजों पे जाकर की यूटर्न लिया। अरे कोर्ट में जाकर, एक लंबी फेरिस्त है, कहेंगे तो पढ़ के सुना देता हूं, किस किस कोर्ट में जाकर के आपने कब कब माफी मांगी कि भैया मैंने गलत से आपको आरोप लगा दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेरा बस कहना नविका जी इतना है, एक स्टैंस तो होना चाहिए। अगर देश के लिए कोई एक ऐसी चीज आ रही है जिस पर व्यापक चर्चा करके उसमें देश के खर्च को कम किया जा सकता है, कहां 51 के चुनाव में 11 करोड़ का खर्च था, 2014 में 30,000 करोड़ का हुआ, 2019 के अंदर 60,000 करोड़ का हुआ, अगर इस पर एक चर्चा हो और देश के हित में एक फैसला आ सके तो कभी तो कोई तो ऐसा मोड़ होगा जहां पर विपक्ष आके साथ खड़ा होगा और कहेगा आइए हम आपके साथ हैं, हम देश के इस हित के फैसले में अपना सुझाव भी देते हैं और इसका समर्थन भी। आपने तमाम जो सवाल किए वो आशुतोष वर्मा जी से किए, लेकिन मुझे लगता है जहन में आपके राहुल गांधी हैं, तो जवाब मैं लोकेश जिंदल से ले लूं। आशुतोष जी, अच्छा आप पहले काउंटर कर दीजिए फिर लोकेश जिंदल। मैं दोनों के लिए थे तो एक ही पार्टी है सब। मैं एक मिनट मैं नहीं, कोई बात देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सिंपथाइजर्स हैं वो ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि विपक्ष में खलबली है, वो नहीं है। हम तो आपको याद दिला रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन बिल पे आप यूटर्न चले गए, हम बता रहे हैं कि तीन काले कानून पे आप यूटर्न पे चले गए, डाटा प्रोटेक्शन बिल पे चले गए, लैटरल एंट्री पे चले गए, ब्रॉडकास्ट बिल पे चले गए, वक्फ बोर्ड पे चले गए, इंडेक्सेशन बेनिफिट पे चले गए, तो हम खाली आपको याद दिला रहे हैं कि आप कितने बड़े यूटर्न वाले लोग हैं। कुछ तो फैक्ट पे और 19 रुक जाइए, अरे भाई यूटर्न पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं सिद्धार्थ जी, बीच में आपके नहीं बोला इसलिए सुन लीजिए फिर बात में प्लीज, ठीक है, पढ़िए और उसको समझिए पहले पाए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि वन नेशन, एक मिनट वन नेशन वन इलेक्शन की बात
कहीं कोई विरोध नहीं है, मैं कह रहा हूं इसके बारे में परिचर्चा होनी चाहिए। अगर परिचर्चा भी विपक्ष कहेगा तो भी आपको लग रहा है खलबली मच गई, तब तो आप अपोजिशन खत्म कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, जो बड़े बड़े सवाल हैं आपके जहन में भी है, हमारे जहन में है, नविका जी के भी जहन में है, और वो ठीक। अरे भाई आप बीच मत बोलिए, नविका जी इनको चुप कराइए, सत्ता की पार्टी मैं चुप थोड़ी करा रही हूँ, लेकिन ये बात सही है, ये बात सही है। मैं खड़गे जी का स्टेटमेंट पढ़ के सुना देती हूँ। खड़गे जी कह रहे हैं ये प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, इनके पास मुद्दा नहीं है, चुनाव देखते हुए ये किया गया है। डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं ये भाजपा का एक और सस्ता स्टंट है। आप कह रहे हैं खलबली मची नहीं, सब एक एक करके बयान देते चले जा रहे हैं। ये विपक्ष की है ना नविका जी, अगर विपक्ष के लोग नविका जी, अगर टाइम्स नाउ, नव भारत और सिद्धार्थ यादव दोनों भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के विपक्ष की बात ही नहीं सुनेंगे और टोका टोकी करेंगे तो फिर मैं आप मना नहीं दीजिए। आप दोनों लोग बोलते रहिए, अपने व्यू बनाते रहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष की ये रणनीति है कि आप एंकर को डिफेंसिव पे डाले, मैं डिफेंसिव पे जाऊंगी नहीं। आप मुझे जिसका दूत बता दें, मेरे को मान लेना जरूरी है, लेकिन जनता भी देख रही है। मैंने आपको 2.5 मिनट बोलने दिया, आप बीच में बोला नहीं और सिद्धार्थ बाद में आए, लेकिन आपको कहना, आरोप लगाना आप लगाइए। अभी भी नहीं बोलने दे रही हो आप, मेरी बात ही नहीं सुन रही हो पूरी। मैं नहीं आपके आरोप लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ना आप पूरी बात सुन रही है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि चार पांच सवाल मैं आपको पूरे 60 सेकंड देती हूँ, आप अपनी पूरी बात कहिए। आपका टाइमर शुरू होता है अब 60 सेकंड। मुझे आप ठीक, अब मेरी सीधी सी बात है और कई सवालों का जवाब हमको मिलना चाहिए कि जब भी इस तरह की व्यवस्था आएगी तो कौन सी सरकारों को बीच में रोका जाएगा और कौन सी सरकारें राज्य सरकार की आगे चलेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, ये ज्यादातर देखा गया है और IDFC 2015 की एक बड़ी रिपोर्ट थी जिसमें कहा कि जब इस तरह के चुनाव साथ में होते हैं तो देश के बड़े मुद्दे आते हावी होते हैं और छोटे मुद्दे जो मतलब प्रांतीय और क्षेत्रीय मुद्दे हावी नहीं रह पाते हैं, ये 77% लोगों में देखा गया है विथ फ्यू एक्सेप्शन। उसके बाद 5 साल में अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से होगी और उसके बाद अगर मान लीजिए मध्यवर्ती चुनाव हो गए तो क्या होगा, ये सवाल हमारे पास भी है, आपके पास भी है, ये सवाल का जवाब मिले और एक बड़ा काम हो, इसमें देश में स्वागत करना चाहिए सबको। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने यूटर्न से निकल नहीं पा रहे हैं और एक नया नया शिविर का छोड़ रहे हैं। आप रणनीति लेके आइए, बात कीजिए विपक्ष से, आप अलाउ करेंगे तो मैं देता हूं। चलिए 50 सेकंड में उन्होंने अपनी बात कह दी, अभी 10 सेकंड बाकी थे, लेकिन मैंने फेयरली आपको सुना आशुतोष वर्मा जी, दोबारा आरोप लगाने से पहले सोच लीजिएगा। अब सिद्धार्थ यादव जी आप जवाब। मैं उनके 10 सेकंड में ही अपना जवाब, आप रिवाइंड करके दीजिए तब मैंने आरोप लगाया था, आप रिवाइंड करके दीजिए तब मैंने आरोप लगाया था। आशुतोष जी रिवाइंड करेंगे, आपके शुरुआत के 2.5 मिनट ही आएंगे, सुन लीजिए अब बात को। अब आपके पास क्या, अब मैं आपके 10 सेकंड में आपका जवाब देता हूँ, जवाब आपके पास भी है, आप चाहते नहीं कि जवाब मिले। पहली बात तो जो सवाल आपसे था कि खड़गे जी, डेरेक ओब्रायन ये विपक्ष के लोग हैं कि नहीं है, तो अगर कहा जा रहा है कि विपक्ष तिलमिला रहा है, आप कहिए कि हमारा स्टैंड उनके साथ नहीं है, हम तो पक्ष में है। पर जैसे आप बोलते हैं पक्ष में, आप इफ एन बट ले आते हैं। अब आपका इफ एन बट क्या आया कि देश में देश के मुद्दे हावी रहेंगे, स्टेट के मुद्दे हावी नहीं रहेंगे। जहां जिन राज्यों में 7 चुनाव होता था इस बार लोकसभा के अंदर हुए, वहां पर क्या होता था, उड़ीसा ने इतनी बार केंद्र में किसी और को चुना, राज्य में किसी और को चुना। तो या तो आप देश की जनता को मूर्ख मानते हैं, या तो आप कहेंगे कि देश की जनता इतनी प्रूडेंट नहीं है कि वो केंद्र में किसी और को चुने और विपक्ष और स्टेट में किसी और को चुने, या तो आपका मत ऐसा है। पर इस पे भी हम सार्थक चर्चा कर सकते हैं। आपकी समस्या ये है आशुतोष जी, कोई भी निर्णय अगर लिया जा रहा है आप उसमें अपना सजेशन बाद में देते हैं, टंगड़ी पहले घुसाते हैं। टंगड़ी मत घुसाइए, आप कहिए जो भी सार्थक चर्चा होगी। आपने कहा कि अगर मध्यवर्ती चुनाव होगा तो क्या होगा, ये सवाल का जवाब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते तभी मिल जाता। आज हुई है कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मध्यवर्ती चुनाव होगा तो ये जो बीच में सरकारें गिरी जाती हैं, जैसे पहले गिरी जाती थी ना, जब से प्रॉब्लम हुई 68, 69, 70, ये बीच में सरकार गिर जाती है, कोई और सरकार ले आता है, चुनाव ले आता है, इन सब का भी एक टाइम फ्रेम सेट रहेगा। बीच में अगर गिरी है तो या तो जितने लोग चुनकर आए उनको एक, उनको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो व्यवस्था है संवैधानिक। तो आप चाहेंगे तो आपको सारे जवाब मिलेंगे, आप जवाब चाहते नहीं, आप चाहते हैं मात्र क्रिटिसिज्म, टंगड़ी घुसाना, ये आपकी समस्या है। लोकेश जिंदल, अब मेरा सवाल आपसे है, मध्यवर्ती चुनाव जितने हुए, मुझे लगता है 90 से 100 के बीच में मध्यवर्ती चुनाव हुए, आर्टिकल 356 लगाया गया, और ये सारा दुरुपयोग जो हुआ है वो कांग्रेस के शासन में हुआ है। और आज वही कांग्रेस वाले कह रहे, अरे
ये लोग तो चाहते ही नहीं कि स्टेट और रीजनल पार्टीज जो हैं वो स्ट्रांग हो। मैं पूछना चाहती हूँ, 356 आर्टिकल जब आप इस्तेमाल करते थे कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी, तो क्या ये जनता के बेहतरी के लिए था? क्या ये रीजनल पार्टीज को बढ़ावा देने के लिए था? आज ये सवाल जो उठ के आ रहा है, ये एक पहला अगर ऑब्जेक्शन है, तो क्या ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल नहीं है? नमस्कार नाविका जी, मैं सर्वप्रथम ये क्लियर कर दूं कि कांग्रेस काल में जो वन नेशन वन इलेक्शन था और अब जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस काल में केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, जिसके कारण जो है ये कन्वीनियंट था कि हर 5 साल बाद संभव था कि इस केंद्र में और राज्य की इलेक्शन एक साथ। लेकिन अगर मैं संविधान की बात करता हूं, संविधान में ऐसा मेंशन है कि अगर कभी भी राज्य में या केंद्र में या फिर रीजनल लोकल बॉडीज की भी कोई भी असेंबली डिसॉल्व होती है तो 6 महीने के अंतर्गत उसमें चुनाव करना होगा। तो अगर केंद्र सरकार इस तरह का अमेंडमेंट लेकर आती है तो इसमें 2/3 मेजोरिटी संसद में लगेगी और उसके बाद 50% राज्यों को इसका रेटिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी ये कानून इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि अगर वर्तमान स्थिति के अंदर ये 6 महीने का क्लॉज अगर हटाते हैं या इसमें कोई भी अमेंडमेंट लाते हैं, उसमें राज्यों की मंजूरी भी सहमत और वर्तमान में भाजपा की जो परिस्थिति है उसमें ये लाना संभव नहीं है। ये केवल और केवल एक जुमला है जिसमें फिर से भाजपा को यू टर्न लेना पड़ेगा। देखिए नाविका जी, हमारा देश अमेरिका की तरह 2 मुख्य पॉलिटिकल पार्टी द्वारा रन किए जाने वाला नहीं। यहाँ विभिन्न तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और अगर लोकल बॉडीज को भी इंक्लूड करती है सरकार, फिर तो आप मुझे बताइए कितनी ईवीएम पेटियां लगेगी, कितना स्टाफ लगेगा। आज तो वही ईवीएम पेटियां जो राज्य में लगती है वो दूसरे राज्यों में लग जाती है। दो तीन राज्य के तौर पे आप ईवीएम की पेटियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्र स्तर पे इतनी आबादी और इस लेवल के ऊपर लोकल बॉडीज के बाद में आपके पास में स्टाफ का, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ईवीएम, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। नाविका जी, मैं आज भी आपको बताता हूं, मेरे पास टैक्सी वाले आके रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए उनसे टैक्सियां ली गई लेकिन उन टैक्सियों का पेमेंट नहीं किया गया। आज भी वे जिला अधिकारी के दफ्तर में चक्कर काटते रहते हैं कि जब चुनाव होता है तो उनके सभी मुख्य वाहनों का उपयोग कर लिया जाता है लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता। लॉजिस्टिकली आज भी कई खामियां हैं, सरकार को चाहिए कि उन खामियों को दुरुस्त करे, ना कि इस तरह की जुमलेबाजी। अगर ऐसा है कि लोग आपके पास आ रहे हैं तो पहले तो सार्वजनिक कीजिए, पहले तो एविडेंस रखिए, या फिर इस तरह के नहीं कीजिए। आजकल तो ट्विटर है, सोशल मीडिया है, जिसने भी रिप्रेजेंटेशन दी है अनपेड बिल की, वो बिल लगाइए, ट्वीट कर दीजिए, यूपी सरकार बिल्कुल उसका पेमेंट कर देगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप भी किसी की मदद नहीं कर रहे। और दूसरा, नेशनल टेलीविजन पे सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाना सही नहीं होता। लेकिन सवाल सिद्धार्थ यादव जी आपसे यही है, यू टर्न आपने अनाउंसमेंट किया, बड़ा अनाउंसमेंट है, आप इंपैक्ट चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो यू टर्न वाला आपके खिलाफ एक क्रिटिकल स्टेटमेंट आता है, ये सही है? लैटरल एंट्री यू टर्न, तमाम हाल ही के डिसीजन, ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट बिल यू टर्न, तमाम चीजें सब लोग कह रहे हैं, तो क्यों ना ये सवाल आपसे पूछा जाए कि ये दिखावा ज्यादा है, होना है नहीं होना है, समय अभी बहुत लगेगा, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है। देखिए नविका जी, मैं बहुत शॉर्ट में जवाब देता हूं। पहले मैं एक बात बोलूंगा जो लोकेश जी कह रहे थे, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। उन्होंने कहा जब चुनाव साथ होते थे वो इसलिए होते थे क्योंकि कांग्रेस ही केंद्र में थी और कांग्रेस ही राज्यों में थी। मतलब कांग्रेस अगर हर जगह रहे तो आप वन नेशन वन इलेक्शन करिए, पर दूसरी विचारधारा कहीं आ गई, चुनाव जीत करके लोगों ने उनको चुन करके भेज दिया, तो हम वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन नहीं करेंगे। वाह भैया वाह, धन्यवाद लोकेश जी आपका। दूसरी बात, अभी वो वही बोल रहे थे जो पी चिदम्बरम इनके नेता बोलते हैं, कितनी पेटियां लगेंगी, कितनी ईवीएम लगेंगी। अभी पी चिदम्बरम जी ने परसों तरसों स्टेटमेंट दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। उसी दिन मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो नेता कहा करता था इस देश में डिजिटल पेमेंट नहीं हो सकती, यूपीआई नहीं हो सकती, कौन सब्जी वाला क्यूआर कोड लेकर के आएगा, उसको देश ने दिखा दिया कि दुनिया की सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स हमारे देश में होती है। अब उन्होंने बोला वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता, देश उनको दिखा देगा। यह दूसरी बात। अब रही बात यू टर्न की, नाविका जी देखिए, 2-3 चीज ऐसी हुई, आप किसान का बिल कह सकते हैं जिसको हमने कहा कि हम किसानों के लिए लेकर के आए थे और हम देश के लिए इसको वापस ले रहे हैं। हम किसानों को नहीं वो बात समझा पाए तब, हमने उसको सहज रूप से उसको वापस लिया। एक आध बिल आप और कह सकते हैं जिसको हमने वापस लिया, बाकी हम कहते हैं हमने कंसल्टेशन में दिया। मैं कांग्रेस के गिनवाऊं कितनी लंबी फहरिस्त है,
कांग्रेस अपने शासन काल में कितने न जाने कितने बिल लेकर के आई जिनको वापस लेकर के, अरे संविधान के बनने के तुरंत बाद जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक्ट, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सेक्शन को बदलने वाली पार्टी थी वो भी कांग्रेस पार्टी थी। आपने कितनी चीजों पे स्टैंड लिया जिसको आप वापस लेकर के गए? लोकेश जी लिस्ट दूं, रफेल पे, जीएसटी पर, सीए पर, पेगासस पर, पीएमएलए पर, यूएपीए पर, पीएम केयर्स पर, आर्टिकल 370 पर, नई पार्लियामेंट पर, ये सारी वो बातें हैं जिसमें आपके शीर्ष नेता ने जो स्टेटमेंट दी उसकी माफी मांग के आना पड़ा। इसलिए आप ये मत बताइए कि क्या ये यू टर्न हो जाएगा। आप अच्छा आप इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्या क्योंकि आपको लगता है ये कभी आएगा नहीं? सरकारी जो वोटर की यादी होती है नहीं बोला उसमें कितनी मिस्टेक्स होती हैं? लोकेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, जानकारी है आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बात पूरी कर लूं। मैं अंतिम बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम तो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा इसको पास नहीं करवा पाएगी या यू टर्न लेगी? क्या आपका आर्ग्यूमेंट ये है? अगर यही आपका आर्गुमेंट है हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम पास करवा लेंगे। आइए साथ दीजिए, पेटियों की बात कर रहे, पेटियों की बात कर रहे हैं, पेटियां खोखे, इनके कई अलग मतलब हैं, ये शायद पॉलिटिशियंस में चलते हैं, हमें पेटियों और खोखों में आप मत इन्वॉल्व करें। लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो प्रपोजल है, अभी प्रपोजल है, पास हुआ है, रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई है यूनानिमसली, और दो फेज में इसका इंप्लीमेंटेशन की बात है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल दुरुस्त है। आशुतोष जी के भी सवाल कि इसके डिटेल्स क्या होंगे, लेकिन ये तो बिल, क्योंकि अमेंडमेंट्स कम से कम 8 से 10 अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत है, तो इसका डिटेल तो आएगा पार्लियामेंट में ही, और पार्लियामेंट में अगर वक्फ बिल पर चर्चा हो सकती है तो इस पर भी हो जाएगी। इशू ये है कि प्रिंसिपल पर ऑपोजिशन करना और बस मोदी ने कहा है तो हमें विरोध करना, ये कहां तक सही है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी सत्ता में ना रहे, भाजपा सत्ता में ना रहे, संघ सत्ता में ना रहे और देश को ना तोड़े, इसलिए विरोध करना आवश्यक है। ऐसा लगने लगा है संघ को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुके हैं, नेशनल लेवल पे इनका वर्चस्व है, अनेकों राज्यों में इनकी सरकार है, तो इस प्रकार के बिल लाए जाएं जो इनको सत्ता में रहने में इनकी मदद करें, और ये जो ये लाए हैं ये उसी के तहत लाए हैं, इसीलिए हमारा एक विरोध है। ये रीजनल और छोटी पार्टी के विरोध में है। 62 पार्टियों को अप्रोच किया गया था, अपना वक्तव्य बताएं आप इस ड्राफ्ट के साथ हैं या नहीं, 47 ने ही इसका रिस्पॉन्स दिया, जिसमें से मात्र 30 ने, उसमें कुछ इनके एलाइज हैं, एग्री किया। यानी कि 32 अभी भी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने शुरू में ही बिना कुछ देखे इसकी अनदेखी करी है। हमारा ये मानना है कि 1967 तक लोकेश जिंदल ठीक कह रहे थे, वर्चस्व कांग्रेस पार्टी का था, विरोधाभास नहीं था, रीजनल पार्टीज उभर के नहीं आई थी, अपोजिशन की अन्य पार्टीज बढ़कर के नहीं आई थी, बीजेपी भी आपकी नहीं बनी थी, कंडीशन अलग थी। आज का जो अगर आप राजनीतिक समीकरण को देखेंगे, छोटी बड़ी पार्टियों को देखेंगे, तो इस तरह के मूव सही नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो बैठ करके निकाले हैं, कश्यप साहब ने, बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, कई अखबार में उन्होंने लिखा है, मैंने पढ़ा था, 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कम से कम इसमें चाहिए। अभी जो फिक्स टर्म आपने रखा हुआ है असेंबली का, वो भी आपको तोड़ना पड़ेगा 100 दिन के बाद, जैसा हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा असेंबली आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन पंचायत के म्यूनिसिपैलिटी के लिए उसके बाद 100 दिन फिर आपको देने पड़ेंगे। और लोकेश ने यह भी सही कहा था कि रिसाइकलेबिलिटी ऑफ द ईवीएम्स ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन जो पहले हो जाता था वो अब आप कैसे करेंगे? इसका मतलब आपको संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अभी मोदी साहब लेकर के आए हैं अभी कैबिनेट के थ्रू, कीजिएगा फैक्ट चेक कर रही हूँ, लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ गए हैं विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने कहा 62 पार्टीज, मैं ये मिंट अखबार की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ यहाँ, जिसमें कहा कि आपकी बात सही है, 62 लोगों से जवाब मांगे गए थे, 47 पॉलिटिकल पार्टीज ने फीडबैक दिया, 32 ने सपोर्ट किया, 15 ने उसको रिफ्यूज किया। आपने कहा 30, यहाँ 32 है, 32 आउट ऑफ 62 मेजॉरिटी है, 47 में से सिर्फ 15 सिर्फ पार्टियां हैं जिन्होंने अपोज किया था, 32 पार्टीज ने सपोर्ट किया है, और बाकी की 15 पार्टियों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो आधे से ज्यादा
ज्यादा लोगों ने, और ये शो जो है ये फैक्ट्स पर चलता है, इसीलिए मैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आपको प्रूव कर रही हूँ कि आप फॉल्स बोल रहे हैं। 32 पार्टियों ने सपोर्ट दे दिया है और ये हाफ वे मार्क से ज्यादा है। अगर ये हाफ वे मार्क से ज्यादा है तो सिद्धार्थ यादव जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में इसकी एक्सेप्टेंस है। बिल्कुल एब्सोल्युटली नविका जी, हमारा देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। लोकतंत्र में कंसल्टेशन में जिस तरफ ज्यादा मत होगा या अच्छी सार्थक चर्चा के बाद जो बेटर देश के लिए लगेगा उसको फॉलो किया जाता है। मात्र पॉलिटिकल पार्टीज का तो आपने लाइट डिटेक्टर टेस्ट करके अच्छा हुआ इनको पकड़ लिया। उसके अलावा जिन लोगों से कंसल्टेशन हुआ था, जनरल पब्लिक में 80% लोग लगभग उन्होंने इसका समर्थन किया है, जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अब बताइए, ये विवेक श्रीवास्तव जी यहां बैठ के कह रहे हैं खर्च बढ़ जाएगा अगर आप एक साथ चुनाव करेंगे, तो क्या जवाब दूं मैं, क्या कहूं इनको? सवाल पब्लिक भी कई पूछ रही है। मोहिंदर का पटना से सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन आ भी गया तो क्या राजनीति में अपराध भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा? बहुत बहुत सही सवाल है और जनता के लिए बहुत जरूरी सवाल है। रंगनाथ का देहरादून से सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन तो तब भी होता था जब संविधान लागू होने के बाद देश में चुनाव होने शुरू हुए थे, अब लागू हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? मंजू रानी का जयपुर से सवाल है, कहा जा रहा है कि एक साथ एक चुनाव के से चुनाव कराने का खर्च कम होगा, लेकिन क्या गारंटी उसी एक चुनाव में बार बार चुनाव कराने जितने खर्च ना हो जाएं? इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। पहले तो क्या अपराधी पार्लियामेंट में आना बंद हो जाएंगे? अगर रिफॉर्म ही करना है तो कम से कम ये रिफॉर्म करें जो जनता मांग रही है। देखिए नविका जी, हर कमी का या हर गलती का एक ही सलूशन नहीं हो सकता, ये दूसरी समस्या का समाधान है। उस समस्या के समाधान पर सबको मिलकर काम करना चाहिए, हम तो इसके लिए प्रतिबद्ध है। वी आर दी ओनली पार्टी जिसमें सबसे कम जो पार्लियामेंटेरियंस है इन रेशियो सबसे कम है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बाकी लोगों की टीएमसी की क्या हालत है, समाजवादी पार्टी की क्या हालत है, कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है? अब वो ये कहेंगे नहीं हमारे पास तो जी है ही 10। अरे आपके सांसद ही 40 थे, इसलिए 10 वाली बात नहीं, रेशियो की बात करिएगा, ये पहली बात। दूसरी बात जो इसमें खर्च की बात है, देखिए ये तो कोई भी सामान्य आदमी समझ सकता है कि आप और हम अगर कोई चीज हर साल हर 6 महीने में हर 3 महीने में देश में कहीं चुनाव होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट बढ़ती है, इलेक्शन कमीशन की डिप्लॉयमेंट होती है, सरकारी कर्मचारी चुनाव में सारा खर्चा हुआ तो फिर पब्लिक का कौन सा पैसा बचा? नहीं, वो सारा खर्चा नहीं होगा, यही तो पार्ट है, चुनाव कराने ये गारंटी है। नविका जी इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है, देखिए कहीं भी चुनाव कराने के लिए आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। जिन स्टेट्स में 7 चुनाव होता है लोकसभा के, 5 में तो होता है, आप उनका रेशियो उठा के देख लीजिए, उनका 5 साल में इलेक्शन पर क्या खर्च है और जहां पे अलग अलग होता है उनका क्या खर्च है, आपको वहीं से खर्चा पता चल जाएगा। आशुतोष वर्मा जी, मैं अब इस पैनल पे सिर्फ वोटिंग लेना चाहती हूँ। आशुतोष वर्मा जी, आप चर्चा होगी और चर्चा मांग रहे हैं वो जायज है, लेकिन बिना सुने बिना देखे क्या आप अपोज करेंगे या सपोर्ट करेंगे इस सुझाव को? यस और नो? नविका जी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कहने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कितनी होगी और किस तरीके से इस देश के संघवाद को संभाल के रखेगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये यस और नो वाली चीजें नहीं है कि आओ और जाओ, इससे बात होगी और बात होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर देश के भविष्य की बात है तो इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी वाले भी गारंटी फिर बोलने लगे हैं, अभी गारंटी का जवाब 2024 में मिला है और फिर मोदी की गारंटी, तीसरी बार सरकार 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, तो वो देख रहे हैं तीसरी बार सरकार है, वो पता है हिस्टोरिक है, पता है गारंटी तो गारंटी शब्द मत बोला, अब लोग हंसने लगते हैं। धन्यवाद, हंसने लगते हैं। अब किसकी गारंटी चलेगी, किसकी सरकार? ग्राफ नीचे हल्का सा नीचे होना और ग्राफ हल्का सा ऊपर जाना, क्या ये गारंटी करता है कि ये तो बिल्कुल खत्म हो गया और ये बिल्कुल ऊपर चढ़ गया? शायद नहीं, लेकिन ये चुनाव एक साथ कराने का जो प्रपोजल है ये क्या दिखाता है? क्या नरेंद्र मोदी हार गए हैं, झुक गए हैं जैसा राहुल गांधी कहते हैं, या फिर ये ट्रेन उसी तरीके से उसी एक्सप्रेस से चल रही है, नमो एक्सप्रेस, जिस तरह का वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने? ये फैसला मैं आप दर्शकों पर छोड़ती हूं। और अब आज का